गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ विश्वा मोदी और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ हैंडकफ कैसे बनता है। हैंडकफ बहुत ही अलग अलग डिजाइन में होता है। जैसे मैं कुंदन का आज सिखाने वाली हूँ, वैसे ही बीड्स का बनता है, फिर हैवी क्वालिटी के भी बनते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन में अवेलेबल होते हैं। तो आप प्लीज ये वाला जो मैंने बनाया है उस टाइप का बनाने का ट्राई कीजिए, डेफिनेटली बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और 5 मिनट में इजीली बन जाएगा और दिखने में भी बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। सो मस्ट ट्राई। एंड या मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं हर वीकली 2 वीडियो अपलोड करूंगी, बट सम रीजंस ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो या आई एम सो सॉरी, अब से मैं ट्राई करूंगी कि हर वीकली मैं 2 वीडियोस अपलोड करूं ही करूं। सो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर और बोला कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अब से मैं डालूंगी वीडियो। सो या चालू करते हैं हमारा वीडियो, स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ पे मैं ये स्टोन ले रही हूँ और ये क्या है, ये वाला स्टोन दोनों साइड से अलग था, मैंने ये जंप रिंग डाल के फिर उसको अटैच किया है। ये अब देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ और उसके मेजर की मैं गोल्डन चेन ले रही हूँ, ऐसे मेजर करना है। तो इतना मैं ले रही हूँ, तो ये इतना छोटा सा गोल्डन चेन मैंने लिया हुआ है। तो हैंडकफ बनाने के लिए हमें ये यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ डिजाइन कैसे होगी। तो फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे एक गोल्डन चेन आएगी, फिर हमारा यहाँ पे हाथ का जो होता है वो आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जंप रिंग का यूज कर रही हूँ। तो पहले हमें ये जंप रिंग जो है उसको थोड़ा खोलना है, पहले जंप रिंग हमें खोलना है ऐसे। फिर यहाँ पे जो गोल्डन चेन है वो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये गोल्डन चेन है उसका जो लास्ट वाला होल है वहां पे ये जंप रिंग मैंने डाल दी। फिर उसके बाद ये जो हमारा स्टोन है वहां का जो ऐसा यहाँ पे स्टोन के पीछे ऐसी लाइन है यहाँ पे, तो वहां पे मैं ये जंप रिंग को डाल दूंगी ऐसे। फिर से ये दूसरी जो साइड है उसको भी उसी जंप रिंग के अंदर डाल दूंगी। मतलब एक ही कड़ी में हम लोग सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जंप रिंग को हमें बंद कर देना है ठीक से, और बिल्कुल भी गैप नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गैप रह जाएगा तो हमारी जो गोल्डन चेन है वो निकल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, इस तरह से। ये वीडियो में ब्लर आएगा क्योंकि ये स्टोन बहुत ही शाइनिंग वाला है, तो शायद आपको ब्लर दिखेगा ये स्टोन। तो या ऐसे आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ के लिए गोल्डन चेन कट करूंगी, तो वो भी आपको मेजर मतलब जितना चाहिए। जैसे मेरे पास तो ये पूरी लाइन ही है, बहुत सारी लाइन होती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो हमें जितना चाहिए उतना कट करना होता है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन आएगी आगे, तो ये हमारा सेंटर में आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा। तो मैं यहां से इतनी चेन लूंगी, इतनी। तो अभी मैं इसको कट कर लूंगी। अभी ये इतनी छोटी सी चेन को मैं कड़ी की हेल्प से, कड़ी हमें खोलनी है, फिर यहां पे जो गोल्डन चेन का जो लास्ट वाला है वहां पे मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद जो हमारा ये स्टोन है उसकी एग्जैक्ट सामने की साइड, दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे ये जंप रिंग हमें डाल देनी है इस तरह से, ठीक है। फिर उसको बंद कर देना और गैप बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि गैप रह जाएगा तो फिर गोल्डन चेन निकल जाएगी, पूरा टूट भी जाएगा। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे मैं जो हमारा हाथ का यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए जो आएगा वो ले रही हूँ, तो उसका भी मैं मेजर कर लेती हूँ।
तो इतना मैं ले रही हूं अभी। तो उसको भी मैं दूसरी जंप रिंग होगी उसकी हेल्प से अटैच करूंगी। तो यहाँ पे एक कड़ी ली मैंने, फिर उसमें मैं एक साइड पे जो लास्ट वाला हमारा है वहां पे मैं ये जंप रिंग डालूंगी। उसके बाद ये जंप रिंग डालने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो हमारा हुक होता है लॉक करने के लिए ब्रेसलेट को, वो वाला डाल रही हूँ। ये वाला लॉक ही यूज करिए क्योंकि सिंपल वाला लॉक होता है वो निकल जाता है, ये वाला हुक अच्छे से रहता है और ब्रेसलेट गिरेगा भी नहीं। इसको भी मैंने कर दिया, तो ये इस साइड से ऐसे, और दूसरी साइड पे यहाँ पे हम लोग ये वाला डालेंगे क्योंकि हम लोग ब्रेसलेट जो हो उसको एडजस्ट कर पाए। तो यहाँ पे भी सेम वे से मैं यहाँ पे लास्ट वाले होल में ये मैंने जंप रिंग डाली, उसके बाद हम लोग ये डाल देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ये सिंपल सा ब्रेसलेट भी बन जाएगा। देखिए आप ऐसे ही ब्रेसलेट सिर्फ एक गोल्डन चेन का ही बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा। देखिए ये इस तरह से। अभी हम लोगों यहाँ पे इसको अटैच करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेंटर लेना है, तो ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरी जंप रिंग का यूज करेंगे। ये जंप रिंग को खोलना है, मतलब कड़ी को। फिर ये जो सेंटर है वहां पे मैं डाल रही हूं यहाँ पे सेंटर में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पे कड़ी की हेल्प से फिक्स करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ी का यूज ना हो इसलिए मैंने बीच में से, मतलब पहले ये लगाया ये लगाया। आप चाहो तो किसी और भी वे से लगा सकते हो। तो ये देखिए हमारा ब्रेसलेट, मतलब हैंडकफ जो है वो रेडी हो गया है। ये इस तरह से, तो ये देखिए ये हमारा हैंडकफ रेडी हो गया है। और ये हैंडकफ है वो इजीली आप 120, 130, 150 या 200 में भी सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुंदन लगा हुआ है तो लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये डेफिनेटली आप ट्राई करिए। अगर आप ट्राई करते हो घर पे और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा बना है क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहन के दिखा दी हूँ, मतलब कैसा दिखेगा ये पहनने के बाद, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मैं नीचे से लॉक नहीं कर रही क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए क्योंकि इजीली बंद नहीं होता मुझसे। सो या यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, हो गया। तो ये थोड़ा लूज ही होना चाहिए, ये लूज होगा तो स्मार्ट दिखेगा और बहुत टाइट बना हो गया अब तो इतना स्मार्ट नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हो कितना स्मार्ट दिख रहा है ये, देखिए ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई करना घर पे। और ऐसा नहीं है कि आपको इस टाइप का ही स्टोन चाहिए, कोई भी शेप का आप ले सकते हो, पान शेप का, स्क्वायर, कुछ भी डिजाइन। आप अलग अलग क्रिएटिविटी अपनी दिखा के यहाँ पे कुछ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक स्टोन लीजिए, यहाँ पे एक स्टोन लीजिए, बीच में एक व्हाइट मोती या गोल्डन मोती, कुछ भी आपको जैसा पसंद हो वैसा आप कर सकते हो। तो या आज का हमारा यही था वीडियो। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।